नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। केरल की वायनाड लोकसभा सीट, प्रियंका गांधी वहां अपने भाई राहुल गांधी की जगह अब लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। प्रियंका गांधी ने 23 अक्टूबर को नामांकन दाखिल कर दिया और उसके बाद लगातार वायनाड के इलाके में सक्रिय दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी अपने राजनीतिक करियर का पहला चुनाव लड़ रही है। वायनाड से जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया तो उस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि अब वह कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के प्रचार प्रसार के बाद स्वयं के लिए वोट की अपील कर रही हैं। आपको बता दें कि वायनाड सीट कांग्रेस पार्टी के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जाती है और इस सीट पर न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि राजीव गांधी भी चुनाव लड़ चुके हैं। वर्ष 1989 के आम चुनाव का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं शुरुआत में वायनाड सीट पर वर्ष 1989 के आम चुनाव के दौरान आई थी, जिस दौरान मेरे पिता यहां से चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में अब उन्होंने जिस तरीके से तैयारियां की है वो वाकई दिलचस्प है कि क्या यहां से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस का एक मजबूत दक्षिण का किला है, उसको यहां पर साधने में कामयाब हो पाएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए 3,64,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्होंने सीपीआईएम नेता एनए राजा को चुनावी मैदान में पटखनी दी थी। भारतीय जनता पार्टी उस लोकसभा चुनाव में सीट पर तीसरे स्थान पर रही थी, जहां पर महज 1,21,000 वोट ही प्राप्त कर पाई। अब नव्या हरिदास को प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया है। राजनीति के तमाम जानकारों का कहना है कि प्रियंका गांधी का पलड़ा वायनाड लोकसभा उपचुनाव में भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। देखना ये होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आने वाले वक्त में अपनी तमाम चुनावी रणनीतियां तैयार करते हुए नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए।